बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़ और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बायोप्लास्टिन नंबर 4। जो एक होम्योपैथिक मेडिसन है, दायमी कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें कल्केरिया फ्लोर 3x, काली म्योरेटिकम 3x, नेट्रम म्योरेटिकम 3x, सलेशिया 6x, ये इक्वल मकदार में शामिल की गई हैं। जब जिगर का अमल कमज़ोर और बेहिस हो जाता है तो खून की फराहमी इंसानी जिस्म में मुतासर होकर आंतों के लिए मुश्किल का सबब बनती है। कब्ज़ हो जाने की सूरत में सर भारी, मुंह का जायका ख़राब और ज़ुबान पर लेस और तय और रुतूबत का एहसास रहता है। यह दवा जिगर का फेल दुरुस्त करके आंतों को खून की फराहमी और कब्ज़ से पैदा होने वाले मुज़र असरात दूर करती है। नेज इस दवा का लंबे अरसे तक इस्तेमाल कब्ज़ जैसे मूजी मरज से मुकम्मल निजात दिलाता है। बायोप्लास्टिन नंबर 4 की खुराक बड़ों के लिए 4 गोलियां और बच्चों के लिए 2 गोलियां दिन में 4 मरतबा खाई जा सकती हैं 3 घंटे के वक्फे के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि बायोप्लास्टिन के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।